हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं रोजगार से संबंधित। आप मेरे पीछे टाइटल देख रहे होंगे जिसमें लिखा है भूतिया नौकरियां। इसका तात्पर्य क्या है? क्या हमें अब मुक्ति धाम पर नौकरियां मिलने वाली हैं? क्या हमारे देश में भूतों की कमी हो गई है जिसकी जगह हमें भूतिया नौकरियां दी जा रही हैं? अब हम भी रात में सफेद कपड़े पहनकर मुंह में हाथ में मोमबत्ती लेके घूमा करेंगे? क्या ऐसी कोई नौकरियां आने वाली है हमारे देश में? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक अलग ही सिद्धांत है जिसको आज हम समझने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे किसी महिला को रोजगार की जरूरत हो और उस महिला को रोजगार दिलाने के नाम पर हम उस महिला का शोषण करें, तो ये एक प्रकार से नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। इसके लिए आपको एक प्रकार से आपराधिक दंड की श्रेणी में कृत्य को रखा गया है और आपको सजा भी हो सकती है। लेकिन एक बात बताओ, जब किसी पुरुष को नौकरी की जरूरत होती है तो उसके साथ जो मानसिक शोषण किया जाता है, एक तो नौकरी उपलब्ध होती नहीं है और आपसे वादा किया जाए कि हाँ कुछ दिन आश्वासन रखिए हम आपको नौकरी देंगे, वही आपके जो और जान पहचान के लोग होंगे वो आपको समय समय पर आश्वासन देते रहेंगे, नहीं नहीं सब ठीक है, आपको बस नौकरी मिल जाएगी, आप मेरा ये काम कर दीजिए आपको तो नौकरी मिल जाएगी। तो लोग इस लालच में कि आज नहीं तो कल सामने वाला व्यक्ति या कंपनी हमें रोजगार देगी, हम उसके द्वारा दिए गए कार्यों को करते रहते हैं। बाद में हमें पता चलता है ना ही तो हमारा परिचित हमें कोई नौकरी दिलवाने वाला है, ना ही उस कंपनी में जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं जिसमें हमें उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी, वहां पर भी कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से काम दिलाने के नाम पर एक महिला के साथ शोषण किया जाता है तो यह एक कानूनी रूप से अपराध है? उसी प्रकार से एक व्यक्ति जिसके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अपने पूरे कैरियर की जिम्मेदारी है, अपने माता पिता छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी है, अगर उनके साथ में नौकरी दिलाने के नाम पर ऐसे कोई घटिया या फिर ऐसे कोई फिजूल के वादे किए जाते हैं जो हकीकत में पूरे नहीं किए जाते, इन्हें भी अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक रोजगार जिसकी कीमत केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसे एक प्रकार से योग्यता भी हासिल है और नौकरी भी प्राप्त नहीं हो रही है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं भूतिया नौकरियों के बारे में। और भूतिया नौकरियां ऐसी नौकरियां होती हैं जो वास्तव में वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। जैसे कई सारे संस्थान आज की डेट में क्या करते हैं, हमें जरूरत है, ठीक है, ऐसा एक स्लोगन बनाएंगे और उसमें लिख देंगे इतने हमें टीचर्स, इतने हमें वर्कर्स, इतने हमें टाइपिस्ट, इनकी जरूरत है। और जब आप यहाँ पर कॉल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि हमने अपना जो वैकेंसी निकाली थी उसमें हमने भर्ती कर ली है। बेशक उस व्यक्ति ने एक भर्ती ना की हो, लेकिन इस प्रकार से यहां पर निकाल देते रहते हैं। मेरी परिचित में ही एक नामी इंस्टीट्यूट है, उसमें आप देखेंगे हर 20 दिन बाद एक पोस्ट डाला जाता है, हमें हायरिंग की जरूरत है, इतने लोग चाहिए। जब आप कॉल करेंगे, रिज्यूम भेजेंगे तो वहां से जवाब आएगा कि हमने अपनी टीम को नियुक्त कर लिया है, और हर 10 दिन बाद उनका यही एक पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगा। तो क्या ये नैतिक रूप से गलत नहीं है कि जिसको नौकरी की तलाश है आप उसकी भावनाओं के साथ में खेल रहे हैं? अब हम आते हैं भूतिया नौकरियों के बारे में। तो यहां पर देखिए, भूतिया वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि जो बेरोजगारी है ये चरम सीमा पर है। हमारे यहाँ काम करने वाले लोग यहाँ पर क्या है, अधिक है और रोजगार कम है, ठीक है, क्यों औद्योगिकरण नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि वर्तमान में जो बेरोजगारी है चरम सीमा पर है और सरकार तथा अन्य कंपनियां भी चाहती हैं कि हम कम से कम यहां पर लोगों को जॉब पर रखें जिससे हमें अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। अब एक बात बताओ, इसी कारण जिन लोगों को नौकरी से हटा दिया जाता है या जिन लोगों को रोजगार की जरूरत होती है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नए नए रोजगार की तलाश में जाते हैं, ठीक है। और नए नए रोजगार की तलाश में आप देखेंगे आजकल सोशल मीडिया पर और कई प्रकार की रोजगार देने वाली कंपनियां हैं, वेबसाइट्स हैं जिस पर आप अपना डिटेल डालिए तो वहां पर आपकी क्राइटेरिया के अनुसार जॉब की पूरी लिस्ट आ जाती है, फिर कहाँ कहाँ आप आवेदन करना चाहते हैं वहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो नई नई भर्तियां निकालती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कंपनियों ने तो भर्तियां निकाल दी, अब जब आप आवेदन करें और आपके पास कई महीनों तक कोई रिप्लाई ना आए तो इससे आपको धक्का लगेगा।
तो ये ऐसी नौकरियां जिन्हें हम भूतिया नौकरियां कहते हैं वास्तव में एक्सिस्ट ही नहीं करती, वास्तव में ऐसी नौकरियां होती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का भ्रम है जो ये दिखाने के लिए किया जाता है कि हमारी कंपनी कितनी समृद्धशील है, कितना बड़ा हमारा संगठन है, इसमें हजारों लोग काम करते हैं, इसीलिए इन नौकरियों को यहां पर निकाला जाता है। ठीक है, विस्तृत रूप से हम यहां पर सारी चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए घोस्ट जॉब, अब इस चीज को आप घोटाला तो कह नहीं सकते। ठीक, अब एक बार बताओ कोई कंपनी है, घोटाला आर्थिक रूप से कर सकते हैं। अब एक बार बताओ अगर कोई कंपनी ने हायरिंग निकाली कि 10 लोगों की हमें जरूरत है वर्कर की, 10 ट्रक ड्राइवर की जरूरत है, 10 क्रेन ऑपरेटर की जरूरत है, 10 कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, तो यहां पर इनके द्वारा वेकेंसी तो निकाल दी गई, लेकिन आप इसे घोटाला नहीं कह सकते। क्यों? हो सकता है हकीकत में जरूरत हो, तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे कि घोटाला है? समझे? देखो यहां पर अब यहां पर आप समझेंगे, लेकिन ये ऐसी नौकरियां होती हैं, कैसी नौकरियां होती हैं, जो अक्सर बड़े संगठनों और कंपनियों द्वारा ऑनलाइन प्रदर्शित की जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को आप देखना, मार्केट में आपको पोस्टर लगे दिख जाएंगे, 10 लड़के 20 लड़कियों की आवश्यकता, योग्यता 10वीं पास और पैसे मिलेंगे आपको भरपूर 25,000 30,000 50,000। ठीक है, इस प्रकार की यहां पर ऑफर दिए जाते हैं। अब यहां पर देखिए, अब ये आप देखेंगे कि कई बार होता क्या है, किसी कंपनी ने वेकेंसी निकाली, ठीक, जैसे एक मिनट अब देखिए एक कंपनी है बाई कंपनी, इसने वेकेंसी निकाली 10, ठीक है, अब वेकेंसी तो निकाल दी इसने, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि कंपनी का जो टर्नओवर है घाटे में जा रहा है या फिर कंपनी के पास फंडे नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, इन 10 जॉबों को होल्ड पर रख देगी, क्या बनी रहने दो, रिज्यूम आने दो, सीवी आने दो, जब हमारा फंड सही हो जाएगा तब हम इन जॉबों को प्रोवाइड कर देंगे। तो एक प्रकार से लंबे समय तक ये जॉब वेबसाइट पर आपको दिखाई देती है। ठीक है, यही बताया गया है कि बजट में कटौती होने के कारण या अन्य निर्णयों के कारण इन पर रोक लगा दी जाती है, और जब स्थिति सही होगी तब ये जॉब दी जाएंगे। 2-3 महीने तक आपको दिखाई देगा कि जॉब है, लेकिन हकीकत में है नहीं, जब तक कंपनी की आर्थिक स्थिति सही ना हो जाए दोबारा से। फिर यहां पर आप देखेंगे ऐसी स्थिति में नौकरी चाहने वालों को क्या है, धोखा मिलता है। क्यों? बोलोगे उम्मीदें बैठ जाती है कि हाँ भैया नौकरी है। अब देखो यहां पर हाल ही के दिनों में आप देखेंगे इस प्रकार की मामलों में वृद्धि हुई है कि जब किसी नौकरी के ना होते हुए भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है कि हमें इतने इतने एम्प्लॉयज की आवश्यकता है। यहां पर डाटा दिया गया है कि 40% कंपनियां ये मान चुकी हैं कि उनके द्वारा जितनी भी ऑनलाइन पोस्ट डाली गई है नौकरी से रिलेटेड, ये सारी पोस्ट फर्जी हैं। ठीक, अब फर्जी पोस्ट डालता क्यों है कोई, अभी बताते हैं इसके बारे में। और 30% कंपनियों ने माना है कि उन्होंने ऐसे भूमिकाओं के लिए आवेदन मांगे हैं जो वास्तव में कंपनी में मौजूद ही नहीं है। 40% कंपनियां वर्तमान में मान चुकी हैं कि उन्होंने जो यहां पर नौकरियों के लिए पोस्ट डाले हैं वो पोस्ट फर्जी हैं, और 30% कंपनियों ने माना कि उनके द्वारा जिन पदों के लिए पोस्ट में यहां पर डाली गई है, जिन पदों के लिए भर्ती के लिए यहां पर बोला गया है, वो पोस्ट ही इनकी कंपनी में नहीं है, तब भी उन्होंने निकाल दिया। ठीक, अब देखो अब ये क्यों होता है ऐसा कि फर्जी वेकेंसी क्यों निकाली जाती है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियों को चाहिए क्या, डाटा। क्या चाहिए? डाटा। और डाटा लेने कैसे आएगा, आपके पास कंपनी अगर फोन करे कि भैया आपका जन्म कब हुआ था, एजुकेशन कितनी है, कहां से पढ़ाई की थी, माता पिता का नाम क्या है, तो ये सब जब आपको फोन करेंगे या आपके घर पर आके लिख के जाएंगे तो आपको होगा इरिटेशन, आप भगा दोगे उन्हें। लेकिन यहां पर जब ये कंपनी क्या करेंगी, जॉब की ऑफर देंगी, तो आप खुद ब खुद अपना बायोडाटा इनके पास भेजेंगे, तो भैया हमारा जीवन कुंडली है, पढ़ लो इसे और अपने लिए उपयोग में लेके आओ। तो डाटा लेने के लिए आप तो क्या करते हैं, इस प्रकार के यहां पर काम किए जाते हैं। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, देखिए ये एक रिपोर्ट है जो हमें बताती है कई कंपनियों ने माना कि उनके मानव संसाधन विभाग और वरिष्ठ प्रबंधन एवं निवेशकों द्वारा फर्जी जॉब स्कीम का प्रस्ताव दिया गया।
ठीक है, क्यों दिया जाता है? अपनी वैल्यू दिखाने के लिए। हम करते क्या है, जैसे कोई नई नई कंपनी है और वो हर 10-20 दिन बाद पोस्ट डालती रहे, 15 लोगों की जरूरत, 20 लोगों की जरूरत, 30 लोगों की जरूरत, 50 लोगों की जरूरत, आप लोग कहोगे ये कंपनी बड़ी अच्छी है, बड़े लोगों को रोजगार दे रही है और साथ में इतना मुनाफा कमा रही है कि इतने लोगों को रोज रोज रोजगार दे रही है ना? तो हमें लगेगा कि भैया अच्छी कंपनी है ना, प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, जब इतने लोगों को रोज रोजगार दे रही है तो अच्छी होगी, टर्नओवर अच्छा होगा। तो हम ये भ्रम में पड़ जाते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे बढ़ती भूतिया नौकरियों के कारण, अब यहां पर है क्या, देखो कई बार तो हमारा जो प्राइवेट डाटा होता है सोशल मीडिया से लेकर चोरी करके यहां पर अपनी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। अब एक मेरा ही दोस्त था जिसके डाटा को चोरी करके यहां पर एक मैरिज वेबसाइट थी जो शादी करवाती थी, ठीक, उस पर अपलोड कर दिया, फोटो वोटो लगा दी, और उस बेचारे की शादी हो चुकी थी 2 साल पहले। अब उसके पास दिन रात फोन आने लगे कि हमें आपको देखना है, हमें अपनी बेटी के लिए आपका रिश्ता चाहिए, और उसमें बढ़िया लिख दिया था, CA BA टाइप का उसमें फर्जी डाटा डाल दिया गया था कि लड़का CA है, ठीक है। आजकल तो IAS IPS के नाम से फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं, ID बना देते हैं, जिससे लगे कि हाँ भैया प्रभावशाली है। अब उसके पास दिन रात फोन आने लगे, अब बेचारा परेशान में, कहीं बीवी सुन ले तो भूख टूटेगी, और सामने से फोन आ ही रहे हैं कि भैया दूसरा विवाह करना है तुम्हें। तो एक दिन उसकी बीवी ने उठा लिया और लूट के मायके चली गई। तो ऐसी शिकायतें भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी कि आपने यहां पर आवेदन नहीं किया लेकिन आपका डाटा चोरी करके कंपनी के द्वारा आवेदन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कई बार होता क्या है, कई बार यहां पर कई इच्छुक जो व्यक्ति होते हैं उनके डाटा को कंपनी अपने पास रखती है। जैसे आपने एक कंपनी खोली, अब आपको पता है कि आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉई हैं और 100 एम्प्लॉई में ऐसे कोई भी कभी भी जा सकता है नौकरी छोड़ के, आपको तो चाहिए काम करने वाले, तो आप क्या करते हैं एडवांस में कई सारे लोगों का डाटा मांग के रखते हो, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जब कोई अचानक से जॉब छोड़ के जाए तो हम किसी को उसकी जगह रख लें। अब एक बार बताओ, आपने डाटा मंगा लिया आज और 3 महीने तक कोई जॉब छोड़ के नहीं गया, तो एक व्यक्ति तो आपके आश्वासन पर, आपकी उम्मीद पर बैठा है ना कि आप रोजगार दोगे उसे, लेकिन रोजगार तो आप दे नहीं रहे, आप सोच रहे कोई छोड़ के जाए तब आप रोजगार दोगे, ये भी एक प्रकार से गलत है। फिर आगे आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कई सारे लोग वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, समझे कि हाँ वेटिंग लिस्ट मतलब क्या है कि देखते हैं आगे स्थितियां सुधरती हैं, फंड आता है तो हम आपको रख लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट में रखते हैं। फिर यहां पर आप देखेंगे क्या है, यहां पर कई सारे लोग यहां पर क्या करते हैं, ऐसी जो पोस्ट होती है फर्जी पोस्ट कंपनियों द्वारा निकाली जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे कंपनी की बाजार पहुंच भी बढ़ती है। मैंने क्या बताया अभी आपको, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, नई नई कंपनी खुली पर रोज वैकेंसी निकाल रही है, उसका नाम आप कहीं वेबसाइट पर देख रहे हो, कहीं यूट्यूब पर देख रहे हो, बाजार में जा रहे हो तो पोस्टर देख रहे हो, पोस्टर ही पोस्टर लगे नौकरी चाहिए, आप लोग कहोगे बड़ी बढ़िया कंपनी है रोज नौकरी निकाल रही है, कहीं ना कहीं फायदे में चल रही होगी, प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ट्राई तो करना ही चाहिए, आपने एक बार ट्राई किया पसंद आ गया तो आप यूज करने लगे, इस प्रकार से भी हमारा भ्रम फैला जाता है। फिर यहां पर आप देखते हैं यहां पर होता क्या है, कंपनियों के द्वारा समय समय पर यह पता लगाया जाता है कि बाजार में जो युवा हैं कितने पैसे में काम करने के लिए तैयार। अब प्राइवेट कंपनी में होता क्या है, जैसे आपको आज मिल रहे हैं 30,000 रुपया, ठीक है, 5 साल बाद आपके होने हैं 1,00,000 रुपया, आपके अंदर काबिलियत है तो हो जाएंगे, नहीं होगी तो आपको यहां से हटा दिया जाएगा जॉब से और आपकी जगह नई रिक्रूटमेंट कर दी जाएंगी। यहां पर आप देखेंगे बेरोजगारी अधिक है तो 20-20 हजार में भी इनको नए नए एम्प्लॉय मिल जाएंगे, तो एक को जहां 1 लाख देना है हम उसमें 5 एम्प्लॉय रख लेंगे, तो काहे हम एक को रखेंगे यहां पर, समझे। इसलिए भी यहां पर डाटा कंपनी अपने पास मंगा के रखती है, जरूरत पड़ने पर हम क्या कर सकें, जरूरत पड़ने पर हम अपने जिन्हें ज्यादा सैलरी दे रहे हैं उनको रिप्लेस कर सकें। उसके बाद तीसरा जो कारण यहां पर मेजर कारण माना गया है कंपनियों के द्वारा इस प्रकार के भ्रामक रोजगार पैदा करने के लिए पोस्ट जो डाले जाते हैं उसको लेकर, वह यह है कई सारी कंपनियां जिसमें इंप्लॉयज की जरूरत है कितनी, 50 लोगों की आवश्यकता है लेकिन काम कर रहे हैं 30 लोग। अब इन 30 लोगों को वैकेंसी के पोस्ट दिखा दिखा कर बताया जाता है, अरे भैया कुछ दिन काम कर लो
और 20 लोग आने वाले हैं, ठीक है, यही तो कहा जाता है। जैसे 50 लोगों की जरूरत है किसी रोजगार में और उसके पास केवल 30 लोग हैं, तो कंपनी भी सोचती है 50 लोगों को रखेंगे, ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे। अब जैसे देखो, अगर आप 50 लोगों को रखोगे, अगर आप 10,000 भी दोगे तब भी कितने हो गए, वही इनको 30 में से आप 2,000 और बढ़ा दो इनके, ठीक है, तो आप सस्ते में निबड़ जाओगे, ठीक। तो यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार के भ्रम भी फैलाए जाते हैं कि भैया कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन काम कर लो अच्छे से, हम आपको एक्स्ट्रा पे तो कर ही रहे हैं, आपके पास 20 लोग और जुड़ने वाले हैं, उससे क्या होगा, आपका काम कम हो जाएगा। जो 20 नए लोग आएंगे ये फिर मेहनत करेंगे, आपको कुर्सी पर बैठना है, केवल एसी वाला केबिन दे देंगे, घूमने वाली चक्के वाली कुर्सी जो पंचायत में थी वो वाली कुर्सी होगी आपके पास, आपको सिर्फ मजे लेने हैं, आपको सिर्फ नजर रखनी है, कुछ काम नहीं करना पड़ा, जो नए आएंगे वो काम करेंगे। ऐसे वादे करते रहते हैं कंटिन्यू, लेकिन ये वादे कभी सही तो होते नहीं है, ठीक। कंपनी लाभ कमाना चाहती है, ये तो एक कारण हो गया। अगला जो कारण है वह यह होता है कि जो कर्मचारी हैं उनमें डर पैदा किया जाता है। अब कंपनी ने क्या किया, अब जैसे किसी कंपनी में कर्मचारियों की आवश्यकता है 50, कंपनी ने पोस्ट डाली 15 नए युवा और युवतियों की आवश्यकता है, इन इन पोस्टों के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, ट्रक ड्राइवर, मशीन ड्राइवर, इन सब के लिए, ठीक है। अब जो 50 लोग पहले से कार्यरत हैं इन्हें अनसिक्योरिटी होगी कि अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो हमें क्या है, हमें हटा दिया जाएगा, अन्य लोगों को रख दिया जाएगा। तो यहां पर जॉब की सिक्योरिटी भी बड़ी बात होती है, जब हमें पता चलता है कि नए लोगों की रिक्रूटमेंट हो रही है तो हम अनसिक्योर हो जाते हैं, कहीं हमारी जॉब के ऊपर खतरा तो नहीं हो गया। ये भी एक बड़ा कारण है घोस्ट जॉब दिखाने का कंपनियों के द्वारा, जिससे उनके कर्मचारी सही से काम करें। अब यहां पर आप देखेंगे मार्केट पर प्रभाव क्या होता है। सबसे बड़ा प्रभाव तो इसमें जो हमारे देश में अर्थशास्त्री होते हैं, जो रोजगार के यहां पर दर का पता लगाते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार में, कितनी नई नौकरियां यहां पर निर्मित हुई हैं, इससे संबंधित जो एग्जैक्ट डाटा है ये इन लोगों को नहीं मिल पाता। अब सरकार करती क्या है, सरकार तो जोड़ेगी ना, 10 वेकेंसी इस कंपनी ने इतनी तारीख को निकाली, 20 जॉब इस कंपनी ने इस तारीख को निकाली। अब ये भी क्या है, कंपनी गवर्नमेंट भी ऑनलाइन जो जॉब ऐप होते हैं उन पर नजर रखती है, किसने कब वैकेंसी निकाली, बेशक वो वैकेंसी ना हो लेकिन सरकार उस डाटा को जोड़ लेती है और फिर कहती है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में 10,00,000 लोगों को नौकरी दी, हकीकत में बेशक 2,00,000 को दी गई हो लेकिन जो जॉब घोष्ट जॉब है उनको भी एड कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर आप आएंगे, पहचाने कैसे कि ये घोष्ट जॉब है, कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन इसका यह है कि अगर कोई कंपनी हर एक निश्चित अंतराल पर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के अंतराल पर निरंतर पोस्ट कर रही है, उसके पुराने पोस्ट चेक कीजिए, 10 दिन 20 दिन निरंतर अगर पुराने पोस्ट कर रही है तो समझ लो भैया हाँ ये घोष्ट जॉब है। अब यहां पर एक संस्थान है बड़ा एमपी से रिलेटेड, नाम नहीं बताऊंगा आपको मैं, वो हर 10 दिन बाद पोस्ट डालते हैं, किस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, आवश्यकता है कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीकॉलर, कंटेंट राइटर, हर 10 दिन बाद पोस्ट आता है उनका। और जितनी वेकेंसी उनके पास होती है, जैसे पहली बार उन्होंने जो पोस्ट डाला वही रिपीट करते रहते हैं, नंबर भी चेंज नहीं होता। अब समझ में आ गया है कि ये घोस्ट जॉब है, उनके पास जॉब नहीं है, बस बाजार में ये दिखाना चाहते हैं हम बहुत बड़े यहां पर ग्रुप को ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे लोगों को लगे हाँ भैया बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर है, हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, इस प्रकार से भी। अब यहां पर आप देखिए, अब यहां पर क्या क्या, अब आपको कंपेयर करना क्या है, अगर कोई आवेदन 1 महीने पुराना है तो आप समझ लो ये घोष्ट जॉब है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा कोई कंपनी को एम्प्लॉय मिलने में, 1 मिनट में ही उसके पास हजारों रिज्यूम पहुंच जाएंगे, सीवी पहुंच जाएंगे, उसमें से जॉब दे देगी, आपका वेट थोड़ी ना करेगी। उसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे ऑनलाइन एक जॉब देने वाला पोर्टल है जिसका नाम है लिंक्डइन, कहा जा रहा है इसमें लगभग 1.7 मिलियन जो जॉब के ऑफर हैं ये लगभग 1 महीने पुराने हैं, जो घोष्ट जॉब हो सकते हैं, जिस पर आप रिज्यूम भेजो वहां से आ जाएगा कि हमने तो अपने एम्प्लॉय कर लिया हायर, ठीक। और यहां पर आप देखें, अब यहां पर आप देखेंगे या फिर ऐसी जॉब है जिन पर स्पष्ट विवरण नहीं है,
अब यहां पर सुझाव दिए गए कि इन कंपनियों के बारे में कैसे बचें। ठीक, तो कहा जा रहा है कि ये जो जॉब देने वाली कंपनी है जैसे कि लिंक्डइन, इंडीड, जिप रिक्रूटर, ऐसी कंपनियों को और कुशलता पूर्वक यहां पर अपने ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए, अपने ऐप में सुविधा लेके आना चाहिए कि एक निश्चित समय के बाद वो जॉब अपने आप हट जाए, जिससे लोगों को ये भ्रम ना रहे ये जॉब अभी भी मौजूद है। दूसरी चीज, यहां पर युवाओं को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि जब तक कोई विश्वसनीय जॉब नहीं है, जब तक किसी आप विश्वसनीय स्रोत से नहीं पता पाते, तब तक आप वहां पर रिक्रूटमेंट पे फॉर्म फिल मत कीजिए, हो सकता है क्लिक करने पर आपका ही यहां पर नुकसान हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी घोस्ट जॉब से संबंधित। तो ये टॉपिक था जिसमें हमने घोस्ट जॉब से संबंधित चीजें समझी, होती क्या है, भ्रम वाले जॉब होते हैं। अब मिलेंगे आपसे अपने अगले टॉपिक में जिसमें हम और महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो इस लेक्चर को यहां पर हम समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपको शेयर नहीं करो।